हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स, हम एमएस संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं, उसी के पार्ट 13 में आज हम निरुक्त के निर्वचन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और अजमेर यूनिवर्सिटी की एमए प्री संस्कृत के फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट निरुक्त के निर्वचनों पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, आज हम निरुक्त के निर्वचन के अंतर्गत आचार्य, निघंटु, कर्ण, शाखा, समुद्र, वीर, हद, अधर्व्यु, वृत्त और पुरुष आदि के निर्वचनों शब्दों का अर्थ करेंगे। तो स्टार्ट निरुक्त शब्दों का निर्वचन। आचार्य, आचार्य गृहयति आचिन्यो अत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमित्वा, अर्थात आचार्य आचार को ग्रहण करवाता है। यानी कि कहा गया, आचार गृहयति आचिन्यो अत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमित्वा, अर्थात आचार्य आचार को ग्रहण करवाता है। विद्यार्थी को आचार सिखाता है, पदार्थों का संचय करता है। विद्यार्थी को सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करवाता है। आचार्य क्या करता है? यह विद्यार्थी को सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करवाता है, क्योंकि आचार्य शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, उसकी बुद्धि बढ़ता है, अतः उसे आचार्य कहते हैं। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने इस मत से असहमत हैं। उनकी दृष्टि में ये निरुक्तियाँ हैं। आचार्य ग्रहमति इसमें आ उपसर्ग चर धातु से आचरमति इति, डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा इसमें अ वर्ग में रखते हैं। यानी कि जो आचार्य है उसको सिद्धेश्वर वर्मा इसे अ वर्ण में रखते हैं। पाणिनि ने इसकी व्युत्पत्ति दी है, यह अच्छी है, यह तत्र साधय के अर्थ में उत्कृष्ण आचरण वाला है। यह पाणिनि की व्युत्पत्ति ठीक है। तो आचार्य शब्द के बारे में हम पहले तो ये जाने थे कि क्या कहा गया। नहीं, आचार्य शब्द पर कहा गया है कि आचार गृहयति आचिनो अर्थ्यथान आचिनोति बुद्धिमित्वा, अर्थात आचार्य आचार को ग्रहण करता है। आचार्य क्या करता है? आचार को ही ग्रहण करता है। विद्यार्थी को आचार सिखाता है, पदार्थों का संचय करवाता है। विद्यार्थी को सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करवाता है, क्योंकि आचार्य शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, उसकी बढ़ाता है। अब सिद्धेश्वर वर्मा जी ने तो इस मत से असहमत है और आचार्य ग्रहमति इसमें आ उपसर्ग चर धातु से आचरमति इति कहते हैं, लेकिन डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा इसे अ वर्ण में रखते हैं। वहीं पाणिनि ने यह तत्र साधय के अर्थ में उत्कृष्ट आचरण वाला है, यह पाणिनि की व्युत्पत्ति ठीक है। अब हमारा दूसरा निर्वचन है निघंटु। निघंटु के बारे में कहा गया, वे निगंताव एव संदो निगमना निघंटव उच्यन्ते इतियो परमन्विया। दूसरा है अपि वांगना देव शु समहता भवन्ति। तीसरा है समाहता भवन्ति। निघंटु के बारे में ये तीन वचन कहे गए हैं, वे निगंताव एव संतो निगमना निघंटव उच्यन्ते इतियो परमन्विया। दूसरा है अपि वांगहन नादेव शु समहता भवन्ति। तीसरा है समाहता भवन्ति। तीसरा हमारा निर्वचन है कर्ण। कर्ण कृतंते कृति, कृति छेदने से कर्ण बनता है, यानी कि कृति छेदने से ही कर्ण बनता है, क्योंकि कान का द्वार कटा हुआ होता है। हमारा जो कान होता है उसका द्वार कटा हुआ था और कृति छेदने से ही कर्ण बनता है। आग्रायण का इस संबंध में कथन है, यानी कि जो आग्रायण जी उनका कथन है कि ऋच्छन्ति इति, अर्थात गत्यर्थक ऋच धातु से कर्ण बनता है। इस ग्रंथ में ब्राह्मण स्वरूप भी प्राण स्वरूप है। तीसरा लाइन है त्रिच्छन्ति खे उद्गंताम इति विज्ञायति। इसका अर्थ है खे आकाश में अभिव्यक्त शब्द इन कानों को ऋच्छन्ति प्राप्त होते हैं, यानी कि आकाश में अभिव्यक्त शब्द इन कानों को प्राप्त होते हैं। यानी कि कहा भी गया है कृति छेदने से कर्ण बनता है। चौथा निर्वचन है हमारा शाखा। शाखा खशिया शक्नोते वा। शाखा शब्द को बनाने के लिए शी सोना खे आकाश शक धातु से शाखा शीय शक से शाखा शब्द में तीनों शब्दों में तीन वालव्य शकार समान है। सॉरी वालव्य नहीं, तालव्य है, ठीक है। कहा गया कि
आकाश शक धातु से शाखा शीय शक से शाखा शब्द में तीनों शब्दों में तीनों तालव्य शकार समान है। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने ख प्लस सी को ही वर्ग में रखा है। तो डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने ख धन सी को ही वर्ग में रखा है। संस्कृत का शाखा शब्द रूसी में शौक हो गया है, यानी कि संस्कृत का जो शाखा शब्द है वह रूसी भाषा में शौक हो गया है। पांचवा हमारा निर्वचन है समुद्र। समुद्र के लिए पहला निर्वचन दिया गया है समुद्र वंत्य श्मादाप है। दूसरा है संभी द्रव्यने माप है। अब हमारा छठा निर्वचन है वीर। वीर के लिए पहला निर्वचन कहा गया है वीर है विरयति अभि अमित्रान वीर है, यानी कि वीर है विरयति अमित्रान वीर है। कहा जाता है कि वीर शत्रुओं को विविध प्रकार से कंपा जाता है अर्थात अथवा मार देता है, यानी कि वीर के लिए कहा गया वीर विरयति अमित्रान वीर है। कहा जाता है कि वीर शत्रुओं को विविध प्रकार से कंपा देता है अर्थात कांप देता है अथवा मार देता है। दूसरा कहा गया वेते वा श्याद गति कर्मण्या गत्यर्थक। गत्यर्थक धातु से ही वीर बनता है, यानी किस धातु से बनता है वीर, तो वीर जो शब्द है वीर शब्द का निर्वचन वो गत्यर्थक धातु से ही बनता है, क्योंकि वीर पुरुष शत्रुओं के अभिमुख जाता ही रहता है, यानी वीर पुरुष शत्रुओं के अभिमुख जाता ही रहता है, यानी कि उनके सामने जाता ही रहता है। तीसरी लाइन कही गई है वीर्यते वाया विक्रांति अर्थ वाले वीर धातु से बनता है। वीर्यते वाया यानी वाया विक्रांति अर्थ वाले वीर धातु से बनता है, क्योंकि वीर पुरुष पराक्रम करता है। अब हमारा सातवां निर्वचन है हद। हद के लिए कहा गया है पहला निर्वचन दिया गया है हदो हदते शब्द कर्मण है, शब्दार्थक हद बनता है। दूसरी लाइन कही गई है हदते वरियत शिति भाव कर्मण या शैत्यार्थक द से हद बन जाएगा। इसी हदते वशियत शिति भाव कर्मण या शैत्यार्थक द से हद बन जाएगा। तो इसका अर्थ है तालाब हद धातु से शब्द करना, हद धातु से कल्पित किया अथवा हद धातु से शीतल होना। हद से आध्यत र और लय में भेद नहीं, इसलिए हद और हद से हद बन सकता है अधर्व्यू। आठवां निर्वचन है हमारा अधर्व्यू। इसके लिए पहला निर्वचन दिया गया है अधवर कामयते अर्थात यज्ञ की कामना करने के कारण भी अधर्व्यू कहलाता है, यानी अधवर कामयते अर्थात यज्ञ की कामना करने के कारण भी अधर्व्यू कहलाता है। दूसरा निर्वचन दिया गया है अधर्व्यू के लिए या अधियाने यूरोप बंधय आध्यान अर्थ में जो यज्ञ को पढ़ता है वह अधर्व्यू कहलाता है, यानी कि अर्थ में जो यज्ञ को पढ़ता है वह अधर्व्यू कहलाता है। अधर्व्यू भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रथम कोटि में रखा गया है। नौवां निर्वचन है वृत्त। वृत्तो प्रीणियते व वर्तते, इसके लिए पहला निर्वचन दिया गया है वृतो नियते व वर्तते, दूसरा निर्वचन है वर्धते व, दसवां निर्वचन है पुरुष। यह निरुक्ति है सद बैठना शी सोना निवास शी धातु ही इस अध्याय में इसी धातु का उल्लेख है। पुराना अथवा भरना जीवात्मा भर गया है, डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे प्रथम कोटि में रखा गया है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।